नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है अफ्रीकन वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स के बीच में, उसके बारे में। ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, प्लेइंग इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट टीम न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि अभी तक आपने माई फैब इलेवन डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जैसे डाउनलोड कर आप Raj123 Raj123 आप कोड डालोगे, आपके लिए ₹50 का कैश बोनस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ₹50 बिल्कुल फ्री में दे रहा है और काफी शानदार एप्लीकेशन है। इस पर काफी कम कंपटीशन है और एंट्री फीस के लिए सबसे कम लेता है। जी हाँ दोस्तों, काफी कम एंट्री फीस लेता है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम 50 से लेकर 200 तक कितना भी डिपॉजिट करते हो, आपके लिए 100% कैश बोनस आ जाएगा। मतलब यदि आप 50 डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए ₹100 आएंगे दोस्तों, तो आपके लिए काफी शानदार ये एप्लीकेशन हो जाती है। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू दिखा दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच होने वाला है। आप देख सकते हो यहां से सूरत में मैच होने वाला है, जो कि दोस्तों एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है। लास्ट मैच भी यदि लास्ट के दो मैच तो यहाँ से रद्द हो गया। यदि पहला मैच देखा हो आपने, 130 यहाँ से इंडियन वुमेन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इन्हें बनाए थे, और सेकंड में तब अफ्रीकन वुमेन्स बल्लेबाजी कर रही थी, जो इनके दोस्तों डुप्रीज बल्लेबाजी कर रहे थे, काफ़ी अच्छे टच में लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि विकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज अपने विकेट फेंक कर जा रही, मतलब आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है। 140 से 150 रन यहाँ पर आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो आप देख सकते हो स्मृति मंधाना, जेमाइमा रोड्रिगस, लीजा ली आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई करने की कोशिश करिएगा। आपके लिए मैं यहां से आप इनके बैटिंग ऑर्डर और संभावित 11 दिखा देता हूं। उससे पहले आप लास्ट मैच देख लीजिए, जो पहला मैच हुआ था, क्योंकि दो मैच तो इससे पहले रद्द हो गए थे। तो आप देखिए हरमनप्रीत कौर ने शानदार 43 रन की इनिंग्स के लिए, उसके अलावा एक विकेट भी इन्होंने चटकाए थे। स्मृति मंधाना ने 21 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों अफ्रीका की ओर से इस्माइल ने आपके लिए 3 विकेट निकाल के दिया था, और दोस्तों जो क्रैक इनकी ऑलराउंडर है, इन्होंने भी 2 विकेट निकाल कर दिए थे। वहीं अफ्रीका की ओर से बल्लेबाजी में बात करें तो डुप्रीज ने, जैसा कि मैंने बताया, शानदार टच में दिख रही थी, 59 रन की शानदार इनिंग्स खेल कर दी थी और लास्ट तक संघर्ष करती हुई नजर आई थी। लीजा ली ने भी दोस्तों इनकी ओर से 16 रन बनाए थे। भाई इंडिया की ओर शिखा पांडे ने 2 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट यहां से चटकाकर आपके लिए दिए थे। चलिए इंडिया की संभावित 11 के बारे में बात करें। शेफाली शर्मा आपके लिए स्मृति मंधाना के साथ ओपन करती हुई नजर आ जाएंगी। शेफाली शर्मा जो कि काफी यंग बल्लेबाज है दोस्तों, मात्र 15-16 साल की ही बल्लेबाज है, ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे। काफी अटैकिंग बल्लेबाज है, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। पहले मैच में हालांकि कुछ नहीं कर पाई थी, 0 पर ही बिना खाते खोले अपना आउट हो गई थी। स्मृति मंधाना जब काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। जेमाइमा रोड्रिगस, हरमनप्रीत कौर दोस्तों ये मिडल ऑर्डर बल्लेबाज करते हुए नजर आ जाएंगे। नंबर 3-4 पर लास्ट मैच में हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की थी। रोड्रिगस भी आपके लिए शानदार बल्लेबाज हैं, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। दीप्ति शर्मा आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में नजर आ जाएंगे, और दोस्तों काफी अच्छी गेंदबाज है। बल्लेबाजी मैं इतनी अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी करती है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। पूनम यादव और राधा यादव दोस्तों इंडिया की ओर से की बॉलर साबित हो जाएंगी। वहीं शिखा पांडे आपके लिए एक अच्छी दोस्तों गेंदबाज हैं, और पूजा वस्त्रकर भी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। ये कुछ आइडिया हो गया। अब हम यहाँ से आपके लिए संभावित 11 और दोस्तों लास्ट परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। आप देख सकते हो स्मृति मंधाना आपके लिए शेफाली शर्मा के साथ ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे। दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। जमाइमा रोड्रिगस है, हरमनप्रीत कौर है। लास्ट मैच में हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की थी। वेदा कृष्णमूर्ति नंबर 5 पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे। तानिया भाटिया हैं दोस्तों, दीप्ति शर्मा है, पूजा वस्त्रकर हैं, आपके लिए शानदार वाले गेंदबाज हैं दोस्तों। और उसके अलावा पूनम यादव, राधा यादव, जो कि दोस्तों इंपोर्टेंट गेंदबाजी इंडिया की ओर से हो जाती हैं। शिखा पांडे दोस्तों एक इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं भाई यहाँ से आपके लिए साउथ अफ्रीका की ओर से। लीजा ली आपके लिए ब्रिट्स का ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे। ब्रिट्स एक शानदार बल्लेबाज हैं, हालांकि पिछले कुछ मैचों से इतना अच्छा इनका फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। डुप्रीज और दोस्तों आपके लिए मिडल ऑर्डर हैंडल करती हुई नजर आ जाएंगी। नेकरेक आपके लिए शानदार ऑलराउंडर, और सनलस दोनों ही आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। आप दोनों को चाहो टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अपने हिसाब से कोई भी एडजस्ट कर सकते हो। इस्माइल आपके लिए शानदार गेंदबाज हो जाती है, और दोस्तों खाका के साथ आपके लिए गेंदबाजी करती हुई नजर आ जाएगी। इनकी लास्ट परफॉर्मेंस और दोस्तों यहाँ से बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हो। लीजा ली आपके लिए ब्रिट्स के साथ ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे, काफी शानदार बल्लेबाज हो जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों लूरा हैं, एंडी क्रैक हैं, डुप्रीज हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। लास्ट मैच में हालांकि डुप्रीज को निकाल दिया जाए, तो इतनी अच्छी बल्लेबाजी तो इनकी ओर से किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करके देंगे, क्योंकि दोस्तों स्पिनर के खिलाफ फंस रही थी, तो स्पिनर्स इनको फिर प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन इस मैच में दोस्तों थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन की देखने को मिल सकती। गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ से इस्माइल ने 3 विकेट चटकाए थे, और एक एक विकेट औसतन सब ने चटका कर इनकी ओर से दिया था। चलिए यहाँ से मैं आपके लिए दिखा देता हूँ दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है माई फैब इलेवन। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जैसे डाउनलोड कर आप Raj123 जी दोस्तों Raj123 आप कोड डालोगे, आपके लिए यहाँ से ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइनल प्रीव्यू
दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से सिर्फ एक ऑलराउंडर टीम में ट्राई किया है, उसके अलावा मैंने बल्लेबाज दोस्तों ज़्यादा लिए, लगभग 6 से 7 बल्लेबाज यहाँ पर हो गए हैं। यदि आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, या इस टीम के साथ भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लीजा ली को मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में टीम में ट्राई किया, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और दोस्तों जैमिमा रोड्रिगर्स और शेफाली शर्मा मैंने इंडिया की ओर से बल्लेबाजी टीम में ट्राई किया है। जबकि दोस्तों टॉप 3 इनकी बल्लेबाज मैंने यहाँ से डूप्रीज, लीजा ली और दोस्तों यहाँ से लूरा शायद टॉप 3 बल्लेबाज मैंने इनकी टीम में ट्राई किए हैं। और दोस्तों नेक रेक भी इनकी शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा हम दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम तैयार करेंगे तब अच्छे से कर लेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो राधा यादव और पूनम यादव दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाती है, दोनों की टीम में ट्राई किया है। और दोस्तों जो इस्माइल है इनको भी मैंने टीम में ट्राई किया, आप चाहो इसके साथ जा सकते हो, आप चाहो दोस्तों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों जो थोड़ा सा हट के ऐप है क्रिकडुअल, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों जैसे लिंक से डाउनलोड करो कुछ आपके लिए इस तरह के इंटरफेस खुल जाए और आप देख सकते हो इस पर आपके लिए काफी शानदार डिपॉजिट बोनस भी मिल रहा है। 200 बाइट डिपॉजिट करते हो 100 डिपॉजिट बोनस मिल रहा है, 777 500, तो आप एक बार स्ट्राइक कर सकते हो। और इसमें आपके लिए 11 प्लेयर नहीं खिलाना है, सिर्फ आपको इसमें न्यू कैडेट सिस्टम में 6 प्लेयर खिलाना है और दोस्तों जो क्रिकेटल क्लासिक है उसमें 8 प्लेयर खिलाना है। 6 प्लेयर की टीम को आपके मैं यहाँ से फाइनल प्रीव्यू यहाँ से डायरेक्ट दिखा देता हूँ, आप उसके साथ भी जा सकते हो या अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। मैंने अपनी 6 प्लेयर की टीम तैयार कर रखी है दोस्तों, यदि आप इनके अलावा कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ से एडिट में जाकर चेंजेस कर सकते हो दोस्तों, अपने हिसाब से किसी को भी हटा सकते हो, ले सकते हो। कैप्टन में मैंने यहाँ से हरमनप्रीत कौर को रखा है, ऐसे ही दोस्तों अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहां से कॉन्टेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आप इसमें यहां से कोई सा भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहां से ग्रैंड लीग में आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफी सारे ग्रैंड लीग अवेलेबल हैं दोस्तों, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में भी आपके लिए यहां से काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। क्रिकडुअल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहां से देख लेते हैं दोस्तों हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन की, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना है, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता है। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें, लीजा ली आपके लिए ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे, जबकि तानिया भाटिया आपके लिए 7 से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे। T20 मेरे हिसाब से 7 से 8 नंबर कोई मान नहीं रखता, हालांकि तानिया भाटिया के आपके लिए पॉइंट ज्यादा दिख रहे होंगे, वो उनकी स्टंपिंग और दोस्तों कैच आउट के हैं। लीजा ली आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाती है, तो यहाँ से मैं लीजा ली को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी सेक्शन की, स्मृति मंदाना आपके लिए शानदार बल्लेबाज हो जाती है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके लिए हरमनप्रीत कौर आपके लिए गेंदबाजी कर देंगे दोस्तों, बल्लेबाजी नंबर 4 पर करने आ रही है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। पावर हिटर है इंडिया की ओर से, तो मैं इन्हें टीम में ट्राई कर रहा हूँ। स्मृति मंदाना दोस्तों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, आप चाहो टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहे अवॉइड कर सकते हो। मैं थोड़ी सी कैडेट इशू की वजह से दोस्तों इन्हें टीम में ट्राई नहीं कर पा रहा, यदि आप इन्हें कैडेट मैनेज करके ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं फिलहाल की स्थिति में अवॉइड कर रहा हूं। उसके अलावा डूप्रीज आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, लास्ट मैच उन्होंने काफी शानदार इनिंग्स खेल कर दी, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। लगभग 4 से 5 नंबर पर ये बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी। जमाइमा रोड्रिगर्स आपके लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे और काफी इंपोर्टेंट ये प्लेयर हो जाती है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों, और लगातार परफॉर्मेंस करके देती है, अच्छे प्लेयर हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। ब्रिट्स आपके लिए ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे, मैं यहां से इन्हें भी टीम में ट्राई कर रहा हूं। और दोस्तों आपके लिए यहां से लूरा शानदार ऑप्शन हो जाती है, फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे, आप यदि ब्रिट्स की जगह लूरा को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब दोस्तों आपके लिए शेफाली वर्मा और दोस्तों यहाँ से बेदा कृष्णमूर्ति में से एक किसी को टीम में ट्राई करना है, आप चाहो शेफाली वर्मा को टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो बेदा कृष्णमूर्ति को टीम में ट्राई कर सकते हो। शेफाली वर्मा आपके लिए ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे, जबकि बेदा कृष्णमूर्ति आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे, मतलब 3 विकेट गिरने के बाद ये बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे। शेफाली वर्मा जो कि यंगस्टर है, मात्र 15-16 साल की है, काफी पावर हिटर है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और बेदा कृष्णमूर्ति जैसा कि ये भी दोस्तों फिनिशर है इंडिया की ओर से, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल की स्थिति में बेदा कृष्णमूर्ति को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो अपने हिसाब से वाली वर्मा को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, या दोस्तों यहां से बेदा कृष्णमूर्ति को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, दीप्ति शर्मा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाती है, हालांकि आप इन्हें एज अ ऑलराउंडर मत ट्राई करिएगा, क्योंकि बल्लेबाजी इतनी नहीं आ पाती दोस्तों, काफी नीचे बल्लेबाजी करती है, तो सिर्फ आप इन्हें एज अ गेंदबाजी टीम में ट्राई करिएगा। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं यहाँ से टीम में ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, 3 विकेट चटका कर दिए थे। सनलस आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाती है, आप सनलस को टीम में ट्राई कर सकते हो, नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगी, जब उसके अलावा गेंदबाजी करती हुई नजर आ जाएंगी। अनुजा पाटिल आपके लिए खेलती हुई नजर नहीं आएंगी दोस्तों, एंडी
क्लर्क आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इन टीम में ट्राई कर सकते हो। नंबर चार पर ये बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएंगी। उसके अलावा लास्ट मैच में इन्होंने विकेट चटका कर भी दिए थे, दो विकेट भी इन्होंने चटकाए थे, तो आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल की स्थिति में इन दोनों को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो आपके लिए इस्माइल शानदार ऑप्शन हो जाती है, तो यहाँ से विदाउट हेजिटेशन मैं इस्माइल को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। पूनम यादव जो कि दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इन्हें टीम में ट्राई करने वाला हूँ। और शिखा पांडे को भी दोस्तों मैं यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ। इन तीनों को मैं फिलहाल की स्थिति में टीम में ट्राई करने वाला हूँ। और दोस्तों इनके अलावा मैं यहाँ से ऑप्शंस आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ से खाका आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाती है। और दोस्तों सुखे ने आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से बात करें दोस्तों बस्त्राकर, हालांकि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन अच्छी गेंदबाज है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि ग्रैंड लीग का ये मटेरियल है, आप ग्रैंड लीग में इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। पूनम राधा यादव जरूर आपके लिए काफ़ी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप राधा यादव को टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। अब आपके पास 0.5 कैरेट बचता है, यदि आप उस 0.5 कैरेट की जगह शेफाली वर्मा की जगह वेदा कृष्णमूर्ति को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसे ट्राई करना चाहते हो किसे नहीं करना चाहते। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, तो आपके लिए यहां से हरमनप्रीत कौर शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा एंडी क्लर्क आपके लिए ये दोनों शानदार ऑप्शन हो, क्योंकि ये गेंदबाजी भी कर देने वाले हैं और दोस्तों अच्छे नंबर पर बल्लेबाजी भी, लगभग टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी ये करती हूँ। और दोस्तों मैं अपने थर्ड चॉइस के बारे में बात करूँ तो मेरे यहाँ से जमाई में रोड रिगर्स रहने वाली हैं थर्ड चॉइस एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। दोस्तों यदि आप अपने हिसाब से गेंदबाजी में भी ट्राई करना चाहते हो तो गेंदबाजी में भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो। मेरी फिलहाल की स्थिति में दोस्तों तीन चॉइस ए रहने वाली हैं, 1, 2 और दोस्तों 3। आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।